Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। कल से एक फेसबुक पर यानी कि सोशल मीडिया पर एक चीजें काफी ज्यादा वायरल हो रही है और एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और वो फोटो कहा जा रहा है, ऐसा लोग फेसबुक के माध्यम से शेयर कर रहे हैं कि वो ज्योति सिंह है। वही ज्योति सिंह जो कि अपने पिता को गुड़गांव से लेकर दरभंगा पहुंची थी 1200 किलोमीटर अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से दरभंगा चले जाना कहीं ना कहीं एक इतिहास की सबसे बड़ी स्टोरी बनकर आई। और एक सबसे बड़ा ऊर्जावानित चीज ये रहा कि एक लड़की होकर 15 साल की उम्र में गुड़गांव से दरभंगा अपने पिता को बैठाकर 1200 किलोमीटर वो भी साइकिल से चले जाना। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट कहें, मजबूरी कहें, या फिर आपको जो लगता है वो कह सकते हैं, लेकिन उनके इस मुकाम को शाबाशी देनी होगी और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उनका जो ये मनोबल था काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था और उनको ये विश्वास था, उनको ये लगता था कि हम जो है अपने पिता को लेकर दरभंगा पहुँच जाएंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है, उनके साथ जो है एक तस्वीर और वायरल हो रही है, खास करके साइकिल गर्ल जो है उनके साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ज्योति पासवान को बलात्कार हत्या कर उनको फेंक दिया गया है और जस्टिस फॉर ज्योति के लिए लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में बताऊंगा और इन पे एक फिल्म आने वाली है उसके बारे में बताऊंगा। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को अंधविश्वास, लोग जो है भावनाओं में आकर इस प्रकार की चीजें पोस्ट कर रहे हैं जो कि सच्चाई कुछ और है। जी हाँ, ज्योति पासवान तो नाम है, दरभंगा भी जिला है, लेकिन साइकिल गर्ल नहीं है, कोई और लड़की है जिनको की करंट से मौत हो गई है और उनका एक अलग विषय है जिसको लोग जोड़कर यानी कि ज्योति जो है पासवान से देखा जा रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी ऐसा ऑफिशियली मीडिया के ऑफिशियली कोई बड़ा चैनल इस चीज़ों को रन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई फैक्ट जो है वो नहीं है, सच्चाई कुछ और है। और ज्योति पासवान जो है वो अभी अपनी एथलीट यानी कि साइकिल की जो है प्रैक्टिस कर रही है और उन्होंने एक तस्वीर भी अपने घर पे लास्ट शेयर किया था जिसके माध्यम से वो तस्वीर वायरल हो रही थी। और मैं आपको परफेक्टली बता दूं, क्लियरली बता दूं कि ज्योति पासवान अभी जिंदा हैं और ज्योति पासवान को अभी बहुत कुछ करना है और भारत में एक अलग मुकाम बनाना है, एक अलग नाम कमाना है, वो अभी जिंदा हैं। और ऐसी अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए, ऐसी चीज़ें जो वायरल होती है और एक पोस्ट जो होती है उस पोस्ट को देखने के बाद लोग भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाओं में बहने के बाद वो तस्वीरें जो है वो ट्रेंड कराने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ त्रुट नहीं है। अगर हम बात करें तो इन पर एक फिल्म आने वाली है। जी हाँ, ज्योति पासवान पर फिल्म आने वाली है और ज्योति पासवान उसमें एज अ लीड एक्ट्रेस काम करेंगी, तो इनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि साइकिल गर्ल से नाम फेमस ज्योति पासवान जो है एक एक्ट्रेस बनेंगी अपनी फिल्म में। अगर हम बात करें इस फिल्म में, तो ये जो फिल्म है इन्हीं के साइकिल जो आपने 1300-1200 किलोमीटर ट्रेवल की हैं उसी चीज़ों पर आधारित रहेगी जो कि आपके सामाजिक कार्यों को लेकर जिस तरीके से लोगों में ऊर्जा मोटिवेशन आता है उस पर ये सारी बातें की गई है। और गुड़गांव से दरभंगा गई थी तो ये सारे जो सीन है वो फिल्म जो है दर्शाए जाएंगे और इस फिल्म का नाम होगा आत्मनिर्भर। अगस्त में इसकी शूटिंग शुरुआत हो जाएगी और शूटिंग शुरुआत होने के बाद फिल्में कब तक बनती है ये सारे जो अपडेट होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर के, तो डायरेक्टर जो हैं सीने कृष्णा एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और वो जो है इस फिल्म को बनाएंगे। और इस फिल्म में ये भी कहा जा रहा है कि मिश्रा जी यानी कि जो मिश्रा जी हैं वो उनके पिता का काम करें, संजय मिश्रा जो हैं वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में ज्योति पासवान के पिता का रोल निभाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनने वाली है और ज्योति सिंह की ऊंचाइयों के लिए, ज्योति सिंह के मोटिवेशन के लिए और ज्योति जो पासवान है उनकी ऊर्जा के लिए फिल्म जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगी और लोगों को, हजारों लाखों करोड़ों लड़कियों को एक मोटिवेशन मिलेगा, एक अलग जो है ऊर्जा मिलेगा कि आने वाले समय में वो भी एक अच्छी ऊंचाई को पाए और अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य का जो नाम है ऊंचा करे। देश से अलग भी अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका जो ट्रंप थी, ज्योति पासवान को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया था और इस चीज़ को पोस्ट के माध्यम से उनको अप्रिशिएट किया था। तो ज्योति पासवान पे फिल्म बनेगी तो मुझे लगता है, यकीनन विश्वास है कि ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा चलेगी। लेकिन जो अफवाहें फैल रही थी कि ज्योति पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, इसमें कोई भी सच्चाई और कोई भी फैक्ट नहीं है।
तो आप इससे बिल्कुल फिक्र हो जाइए कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टा ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।